You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. नमस्कार, आप देख रहे हैं SBR News 1 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं सीधे खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, फिर भी शासन प्रशासन की नहीं खुल रही है नींद। कहीं पर रोड डैमेज है तो कहीं पर ओवरलोड, वाहन तेज गति की रफ्तार से चलते हैं और अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे वाहनों को टक्कर मार देते हैं और दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक अर्टिगा वाहन चालक चंडीगढ़ दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक चालक की लापरवाही से अर्टिगा में टक्कर मार दी, जिसमें अर्टिगा में टक्कर लगने की वजह से पलट गई, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ दो अन्य लोग भी गंभीर घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि शहीद कैप्टन कोइलाहा कौशाम्बी के पास यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित फरार हो गया। घटनास्थल पर 112 नंबर पुलिस और 108 नंबर एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को PSC पूरा मुक्ति भेजा गया है। कहां से आ रहे थे आप? चंडीगढ़ से सर। कहां जा रहे हैं? इलाहाबाद प्रयागराज। न्यू गाड़ी है ये? हाँ, नई गाड़ी है सर, ये डिलीवरी करने जा रहा था। चंडीगढ़ से उठी है, इलाहाबाद डिलीवरी के लिए आप जा रहे थे। चोट लगी है किसी को? हाँ सर, वो हाथ वाथ में लगी है बस। किसके लगी? और कोई गंभीर रूप से घायल है? नहीं, गाड़ी केवल खत्म हुई है। गाड़ी खत्म हो गई सर। केवल गाड़ी खत्म हुई है? हाँ, गाड़ी खत्म हो गई। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? सर, ये ट्रक वाले की गलती से हुआ है। ट्रक वाले ने साइड मारी है? हाँ, साइड उन्होंने एकदम गाड़ी मोड़ दी। मैं सामने से आ रहा था तो मेरे उसे बचाने के चक्कर में और अपने आप को इधर को गाड़ी हुई, इस पर चढ़ गई, डिवाइडर पर पलट गई। शाजापुर जिले के शुजालपुर में आज शासन के निर्देश अनुसार निःशुल्क COVID-19 का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसमें पात्र हितग्राहियों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी 1 जनवरी 2022 को उम्र 45 वर्ष से 59 वर्ष होगी तथा वे हितग्राही अगर उक्त स्वास्थ्य समस्याओं में से किसी एक समस्या से ग्रसित हैं तो वह COVID-19 टीका लगवाने हेतु पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें RMP चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले की COVID-19 प्रभारी अपर कलेक्टर जूही गर्ग ने बताया कि सिविल अस्पताल शुजालपुर में रजिस्ट्रेशन एवं टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिन्हित बीमारियों में से जैसे हृदय संबंधी रोग, जिसके लिए विगत एक वर्ष में हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा हो, हृदय प्रत्यारोपण या पेसमेकर लगाया गया हो, हृदय संकुचन संबंधी गंभीर विकार, हृदय वाल्व संबंधी गंभीर या मध्यम विकार, जन्मजात हृदय रोग के साथ गंभीर पल्मोनरी आर्टरी उच्च रक्तचाप, दिल के नसों की बीमारी, बायपास दिल का दौरा एवं उच्च रक्तचाप, शुगर की बीमारी के लिए दवाएं ले रहे व्यक्ति को चयनित कर उन्हें यह निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। जगदीशपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बड़ौली का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां बीते दिनों मंदिर विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दोनों पक्षों से जगदीशपुर पुलिस को तहरीर मिली, जिसमें पुलिस ने बिना छानबीन किए भी कईयों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि अमेठी पुलिस को बस तहरीर का इंतजार रहता है, जैसे ही तहरीर मिलती है वैसे ही मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जांच तो सिर्फ होटलों पर होती है। अमेठी पुलिस चाहती है कि जितने ज्यादा नाम होगा उतना ही पुलिस का काम होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तभी तो एक अध्यापक अपनी ड्यूटी पर कार्यरत है, फिर भी जगदीशपुर पुलिस ने अध्यापक पर मुकदमा दर्ज कर अपनी कमाई का एक और दरवाजा खोल दिया है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां के मुखिया कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अमेठी पुलिस अपनी कमाई के लिए नए नए तरीके निकाल रही है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में नाकाम साबित हो रही उत्तर प्रदेश सरकार? मेरा नाम राम लखन गौड़ है और मैं राजा मऊ में कंपनी विद्यालय में जूनियर में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। 9 तारीख को मेरे यहाँ मेरे भाइयों के साथ, पड़ोसी साहब के साथ और उनके दो बच्चों के साथ, अनिल कुमार सुनील कुमार साथ विवाद हो गया था और मैं उस समय DRC की मीटिंग में उपस्थित था, फिर भी मेरे ऊपर FIR गलत दर्ज कराई। किसके बाद गलत दर्ज कराई गई है FIR? FIR ये साहब प्रसाद मौर्य और इतर पर दर्ज कराई। क्या पुलिस आपके यहाँ ऐसे ही FIR दर्ज कर लेती है, जांच करने नहीं आती? अक्सर हमको तो इसके बारे में ये है कि हमको जाँच वाँच नहीं की गई, जब हम प्रमाण दे रहे हैं बता रहे हैं उसके बाद भी जो है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया पार्टी की कार्यकर्ता मीटिंग का गांव कायथा में आज आयोजन किया गया, जिसका संचालन पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश चंद कठेरिया जी ने किया। पार्टी की नीतियों को बताते हुए उन्होंने गरीब दलित पिछड़े लोगों की सहायता करने का आश्वासन दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता बंटू सिंह संखवार, देवेंद्र सिंह संखवार, पोप सिंह बघेल, महावीर सिंह संखवार, राजेंद्र सिंह संखवार, पप्पू सिंह संखवार, सुरेश चंद सविता इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ये 1952 से स्थापित है। अभी इन्होंने जो है कारोबार उत्तर प्रदेश में अपना संभाला,
उसमें मैं रमेश चंद कठेरिया जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद कनेक्ट किया गया। तो सारे लोगों की समस्या जो भी होंगी, हमारी सरकार, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हैं, वो केंद्र में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में भारत सरकार में मंत्री है इस समय, इसलिए सारी समस्याओं का निराकरण होगा। जो भी आपकी समस्याएं वो लिख के दें, इससे आपका समस्या का निराकरण। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें SBR News 1। नमस्कार।